नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। इस समय सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत की सियासी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा को जारी रखते हुए अशोक गहलोत पर कई तरीके के बड़े खुलासे किए हैं और इस खुलासे को लेकर के प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि अब सीएम को लेकर पार्टी के अंदर माथापच्ची जो चल रही है, उधर 5 महीने बाद जिस राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं वहाँ कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। सचिन पायलट का मूड देखकर लगता नहीं है कि वो आसानी से मानने वाले हैं। अजमेर से निकलने वाली उनकी पद यात्रा जयपुर में ख़त्म हो गई, लेकिन तेवर वही पुराने वाले हैं। सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के नेता और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अगर यही स्थिति रही तो फिर पार्टी के लिए चुनाव में मुश्किल खड़ी हो सकती है। साल 2018 में जब सचिन पायलट पार्टी के अध्यक्ष थे तब उनके नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। तब पायलट को डिप्टी सीएम से संतुष्ट करना पड़ा था, लेकिन 2020 में पायलट सरेआम बागी हो गए और उसके बाद मामला और भी ज़्यादा गंभीर होता नजर आया। फिलहाल इस समय सचिन पायलट के इस बागियाना तेवर को देखते हुए यही लगता है कि पार्टी को फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अंतिम फैसला लेना चाहिए, तभी जाकर के प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता की वापसी जो है वो होती हुई नजर आ सकती है। इस समय जिस तरीके से पूरी स्थिति बदल रही है उसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कई तरीके के सियासी बदलाव सचिन पायलट के इस राजनीतिक कदम की वजह से देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।